तो यहाँ पे जो होता है शाम को जो सामने पार्क है वहाँ यहाँ पे लाइट शो होता है और इतनी ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है, जिसकी वजह से गाड़ी लगाने की जो कहीं भी जगह नहीं है, पूरी पार्किंग यहाँ जो है फुल हो चुकी है। तो घुमा लेते हैं, मैं भी घुमा ही रहा हूँ, समझदार तो शेर है, पढ़ा लिखा तू सूचिया नंदन, नहीं तो बस लगाना है, फोन पे बात कर रहे हैं और लगाना है, लोगों को जरा भी तसल्ली नाम की चीज़ तमीज नहीं है सालों में गाड़ी चलाने की, देख रहे हैं कि गाड़ी घुमाया जा रहा है उसके बावजूद ये ऑटो वगैरह वाले को तो और भी ज्यादा, तभी मैं उसको उतर के एक हाथ में मोबाइल ले रखा है बात कर रहा है और एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा है और फटाफट निकले जा रहा है। रस देखो, देख रहे हैं कि हम लोग गाड़ी को घुमा रहे हैं वापस रिटर्न आने के लिए, गजब भीड़ है दीदी की भीड़, एक फेयर की तरह लगा हुआ है, पूरा मेला जैसे हो गया है सिर्फ लाइट्सों की वजह से, भाई इतना भीड़ है ना, जैसे ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है दशहरा हो रहा मनने जा रहा हूँ। सर मोना माँ, तो मेला का एक फायदा है कम से कम चार पांच छह स्टॉल्स पर दिख ही रहा था आइसक्रीम के, इतनी भी सिर्फ लाइट्स पर देखने के लिए लाइन से गाड़ियां, भाई साहब मधुमक्खी। तो हम अब रिटर्न यहाँ से निकल रहे हैं, अब कहीं और चलते हैं, शानू के लिए वो लेना है यार सैंडल खेलने के लिए इसको, और जो वाटर प्रूफ हो। कहाँ चल रहा है बताइए मेरे को, यहाँ लोकल में कहीं शॉप पे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर भंगे चलते वहाँ से लाते हैं, तो भंगे चलते वहीं से ले आते हैं। आइसक्रीम देखने के मन शुरू हो गया खाना, तो खा लिया ना, नहीं चला गया ना, नहीं अभी सामने तक गाड़ियां लगा के, तब फालूदा वगैरह तो सब बकवास ही है, जो हम लोग का फेवरेट था वो है ही नहीं, ये तो बेकार बनाता है, नहीं रहा वो, शॉप कहीं और लेके चला गया होगा अपनी, आप मम्मा भी ले, मेरी जिंदगी ये नाशपाती लिया है, बहुत सारा लिया नाशपाती ले लिया, अभी आ गए फर्स्ट क्राई की शॉप पे और शानू की सैंडल लेनी है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, वैसे बोर्ड लगा रखा है 70% ऑफ का, देखते हैं कितना ऑफ है, वो प्राइजेस जो है ना कि जोड़ के रखते हैं, ऐसा होता है अधिकतर, देखते हैं अंदर जाके कि क्या है कैसा है। सामने फर्स्ट क्राई की शॉप, तो अभी आज तो हमने प्रोग्राम बनाया था कि लाइट शो देखेंगे, लेकिन लाइट शो तो देख नहीं पाया, तो अब सामान ही सोच रहा कि कुछ सामान ही ले लेते हैं, सीधे आप ऐसे नहीं करते हो, गंदे बच्चे नहीं हैं। क्लॉक्स हैं बच्चों के लिए, ऊपर क्लॉक्स और तो अभी हम क्लॉक्स देख रहे हैं, शानू ड्रेसेस फॉर क्यूट, ड्रेसेस फॉर किड्स, अभी अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी आ जाओ पहले अपने लिए सैंडल देख लो फिर देखते हैं। बच्चों की कार देखो, हेलो जल्दी ऊपर जा रहे हैं जाएंगे ऊपर, और
साइकिल्स, बच्चों के लिए साइकिल है यहाँ पे। दिस इज गुड। शानू बहुत छोटे बच्चों के लिए आपके लिए दी है, काफी छोटे बच्चों के लिए देख रही है। तो यहाँ पे लगी हुई है, भी यहाँ देखते हैं उसके बाद फिर आप। इसे बड़ी साइज भी है? नहीं मैम, लास्ट साइज। ये लास्ट साइज है। ये साइज क्या भैया? वो देखो येलो वाला शानू, वो वियर करके देखो उसकी साइज। ये सही है। वो पीछे गया था। आने का लिखा गली पर। आगे का क्या कॉस्ट है इसकी? क्या कॉस्ट है भी उसकी? उसकी बता देना, इसकी बता देना, क्लॉक की भी बता दीजिए। शू नहीं, ये सब 499 के हैं। 499 इसका येलो कलर ज्यादा बेटर लग रहा है, वो येलो वाला इसका, ये वाला ना। 499 छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आपको छोटा है वो, छोटा ये होगा। छोटा साइज होगा, सेम प्राइस है। तो हमने यहाँ पे देखा शानू का नंबर, मतलब जो पसंद आ रहा था वो कलर में नंबर नहीं मिल रहा था, पॉसिबल ही नहीं पा रहा था मिलना, और जो नहीं पसंद आ रहा था उसी में इसका मिल रहा था। तो फिर हमने वहाँ पे नहीं लिया, अब दूसरी शॉप पे देखेंगे, वहाँ मिल जाता है तो फिर ले लेंगे। अभी हम आए TVS में स्कूटी देखने के लिए, आओ तो अभी देखते हैं स्कूटी। तो ये है सारी TVS की स्कूटीज लगी हुई, देखते हैं थोड़ा सा स्कूटी। ये देखो बैठ गई शानू की स्कूटी ना। शानू के लिए ले ली नहीं स्कूटी, नहीं लेनी स्कूटी, स्कूटी नहीं लेनी आपको अपने लिए, चलो दीदी के लिए ले ली। खैर मम्मा ट्राई कर रही हैं अभी स्कूटी, पता नहीं क्यों ट्राई कर रही हैं, शायद चाहिए इसलिए। तो विराजमान हो गई अपनी स्कूटी में और ट्राई कर रही है इसको स्टार्ट करने की, लेकिन बदकिस्मती से इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है ना मम्मा। चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है हमारी मिस दुर्गा मिश्रा की लाइफ। हेलो मम्मा, क्या चल रहा है? तो अब हो रही है मम्मा पापा की डिस्कशन और मेरी होने वाली है बैंड, इसलिए मैं करती हूँ बंद। गुड बाय। मेरी चूज हुई स्कूटी, देखिए कितनी झकास वाली है ना, मैंने अपनी फेवरेट कलर की चूज किया रेड। ले रही है 15 अगस्त के लिए मिठाई, हमारा 77th इंडिपेंडेंस डे की खुशी के लिए मिठाई तो बनती है, क्यों है ना मेरे भारतीय दोस्तों। चलिए देखते हैं कि क्या टेस्ट करेंगे। मुझे लगता है आज मम्मा टेस्ट करने वाली है बेसन के लड्डू, नहीं बेसन के नहीं, मोतीचूर के लड्डू। तो देखते हैं मम्मा क्या टेस्ट कर रही है। हेलो मम्मा, अब क्या टेस्ट कर रही है मेरे अपने दोस्तों के बिना, ये तो गंदी बात है। तो हमने ले लिया है शानू के लिए स्लीपर्स, ये देखिए
हाथों में, और ये स्लीपर्स आपका पड़ा 500 रुपीज़ का। फर्स्ट क्राई में गए थे तो कलर नहीं आ जाए, फिर रेड टेप में हमने देखा तो वहाँ पे 500 में मिल गई ये ऑरेंज कलर, तो ये अच्छा लग रहा था तो ये हमने ले लिया। और फिर जस्ट बगल में भी घाट था तो वहाँ से कुछ डब्बे डुब्बी लेने थे किचन के लिए, तो ये हमने किचन के लिए डब्बे डुब्बी भी ले लिए हैं। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, देखते देखते 10:25 हो गया है टाइम, यानी 10:30 बजने को जा रहा है। और जा रहे हैं हम लोग गाड़ी में बैठ के और सीधे अब घर के लिए निकलते हैं। सारी शॉप बंद हो गई, अभी हम रेड टेप पे ले गए थे और पीछे देखिए रेड टेप की शॉप, देखिए लाइट अंधेरा हो गया है, देख रहे हैं। अभी हम लोग ले के गए थे और अभी अंधेरा हो चुका, बंद हो गया, हम लोग के रिटर्न आने तक पूरा डस्ट आ गया। बाबा ये गाड़ी वाले चलते तो कितना डस्ट उड़ाते हुए चलते हैं। तो हमने वहाँ से स्वीट ली, उनको बहुत मीठा खाने का मन हो रहा था, मैंने कहा चलिए स्वीट्स ले लेते हैं। हमने स्वीट्स लिया कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस 1/2 kg लड्डू लिए, बेसन पंजीरी लड्डू जो आती है वो बेसन और पंजीरी का वही है। बस पहुँचने वाले हैं, अभी 10 मिनट का और रास्ता है फिर गाड़ी तक पहुँच जाएंगे। सारी शॉप बंद हो गई इधर, ये देखिए सारी शॉप यहाँ की बंद हो गई, हम ही चल रहे हैं यहाँ सड़क पे। सुनसान रातों पे एक ऐसा मसीहा निकलता है जिसे लोग से हिंसा कहते हैं, है ना। शानू डोर ओपन कर दे भाई, शानू डोर ओपन करो, शानू डोर ओपन करो यार, लड़की सुनती भी नहीं है। कितनी बार आपको बोला मैंने क्या लगाना आपको, चलो गाड़ी छेड़छाड़ आप मत करा करिए कभी। ये देखिए ये सामने ही फर्स्ट क्राई की शॉप है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, और ये बिल्कुल क्लोज हो चुकी है। चलिए चले, सारे बटन इधर से आपने दबा के छेड़ दिया है। शानू सारा छेड़ दिया तूने? नहीं मम्मा। जय हनुमान जी। एवरीवन कैसे हैं आप सभी? तो कल का आपने देखा ही था कि कितना सारा हमने शॉपिंग वगैरह करके आए थे और बहुत लेट हो गया था आके, फिर भी हमने रोटी बनाया रात को, खाना पीना खाया और फिर सो गया। अभी का ये सीन है कि सामने पार्क में जो है चल रहा है बुलडोज़र, यानी कि पार्क की सफाई चल रही है क्योंकि कल है 15 अगस्त और इसलिए पार्क की सफाई चल रही है। हाँ यही रीज़न है इसीलिए पार्क की सफाई चल रही है। एक्चुअली मैं पहले स्टार्टिंग में सोच रही थी कि वाओ पार्क को काफ़ी सुंदर बनाया जा रहा है बच्चों को खेलने के लिए, अब बच्चे बड़े इन्जॉय से खेलेंगे सामने पार्क में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 15 अगस्त के लिए ही पार्क को साफ सुथरा किया जा रहा है और 15 अगस्त के लिए ही पूरा जो है पार्क को जितनी भी उसमें झाड़ियाँ और जंगल जैसा बन रखा है ना उन सब जंगलों को क्लियर किया जा रहा है। तो कल मनाएंगे 15 अगस्त यहाँ पे, और जो है पटेगी लड्डू, मिलेगा सबको लड्डू। तो अभी चलिए आपको दिखाती हूँ बालकनी से कि किस तरह से क्लीनिंग चल रही है। पहले भी आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा मेरे ब्लॉग में कि किस तरह से पार्क दिखाई देते थे, पूरा जंगल हरे हरे जंगल हो रखे थे। अभी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी से कि अभी का क्या सीन है वहाँ का, चलिए बालकनी में चलते हैं। देखो पार्क
यहाँ भी साफ सुथरा हो गया है पार्क, पार्क कहा। यहाँ पे वायर ने तो सबसे ज़्यादा डर्टी कर रखा है एरिया को, पूरे पोल पे वायर वायर वायर। ये देखिए आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ। ये देखिए आया 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 जेसीबी, ये देखिए आ गया हमारा जेसीबी। ये देखिए ये कर रही है सफाई जेसीबी, ये 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 खुशखबरी और है कि मैंने अपने लिए हेल्पर रख लिया है, और मेरी जो हेल्पर है वो झाड़ू और पोछा में मेरी हेल्प करेंगी। और ये इतना हेल्प काफ़ी ज़्यादा है मेरे लिए, बर्तन के लिए मैंने नहीं रखा है क्योंकि मेरे हस्बैंड को और पर्सनली मुझे भी बर्तन किसी और से धुलवाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, और मुझे ज़रा सा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं है, ख़ास करके खाने पीने वाली चीज़ों में। बाकी चीज़ों में तो चल जाएगा, बट खाने पीने की चीज़ एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो इसलिए जो है कि मैंने बर्तन के लिए मना कर दिया, और सिर्फ झाड़ू पोछा में मैंने बोला कि भैया आप मुझे झाड़ू पोछा में मेरी हेल्प करिए। तो अभी आई थी, झाड़ू पोछा करके वो चली गई हैं, बाकी काम मैं अपना निपटाऊंगी फटाफट से। और मुझे लग रही है भूख भी बहुत ज़बरदस्त वाली, तो थोड़ा सा मैं जा रही हूँ कुछ पेट पूजा करने के लिए, उसके बाद वीडियो की एडिटिंग करूँगी आप सभी के लिए ब्लॉग डालने के लिए ये वाला फटाफट से, है ना। अगर बता दूँ कि कल तो सामान लेने गए थे हम सिर्फ और सिर्फ शानवी के लिए स्लीपर्स के लिए, लेकिन जब वहाँ गए तो और भी चीज़ें ले ली, और बिल पता है कितने का किया, छोटी छोटी चीज़ें 5-6 चीज़ों बस मुश्किल से हमने ली हैं, और उन छोटी छोटी चीज़ों में 1600 रुपये खर्च हो गए, और 500 के उनके स्लीपर्स पड़े। मतलब आपका समझ लीजिए 2100 रुपये की कल शॉपिंग कर ली हमने। अभी एक हफ्ते हुए थे, अभी हमने जस्ट मॉल से सारा ग्रॉसरी शॉपिंग किया था, और फिर मतलब सच में मार्केट जाना मतलब कि पैसे खर्च करके आना, इसीलिए मेरे हस्बैंड कहते हैं मार्केट मत जाओ। कई बार वो कहते नहीं क्यों जाना है क्यों जाना है, लेकिन मुझे एक चीज़ लेनी होती है तो मैं उस चीज़ के लिए जिद करती हूँ और चले जाते हैं। फिर उसके बाद कई सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, मार्केट में जाती हैं कि ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, और फिर वो चीज़ें। तो अभी एक हफ्ते नहीं हुए थे कि ग्रॉसरी की शॉपिंग करी, और अभी तुरंत 2100 रुपये। मतलब वो कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला होना, वो वाला हाल हो गया है। इस वक्त फाइनेंशियल इतनी क्राइसिस चल रही है समझ लीजिए, लेकिन ये है कि हमारे कितने भी क्राइसिस चले हम कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ते हैं। हमारे चेहरे पे आपको ये देख के कभी नहीं लगेगा कि हमारे घर में आपको कुछ दुख वाला माहौल है, कुछ क्राइसिस चल रही है इनके यहाँ। आप हम लोग के चेहरे को देख के अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे चेहरे पर हमेशा स्माइल रहता है, चाहे कितना भी क्रिटिकल सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाए, कितना भी दुख वाला सिचुएशन आ जाए। तो सभी लोगों को ये गलतफहमी हमेशा रहती है कि हमारे ज़िंदगी में तो हमारे जो खास करके रिलेटिव्स हैं उन सभी का ये मानना होता है कि हमारी ज़िंदगी में तो सब कुछ स्मूथ चल रहा है, हमारे पास एकदम भर भर के सब रखे हुए हैं। लेकिन इसलिए शायद क्योंकि हम बताते नहीं हैं चीज़ों को, और दूसरा हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहता है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसी गलतफहमियां होती हैं। खैर कोई नहीं, गलतफहमियां तो होना तय ही है, क्योंकि आप किस किस को जाकर चीज़ों को कर सकते हो। और मुझे पर्सनली क्लेरिफिकेशन देना पसंद नहीं है, और ना ही मेरे हस्बैंड को क्लेरिफिकेशन देना पसंद है हर बात के लिए। तो काहे का परेशान होना और दूसरों के लिए क्यों हो करना, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। आपके पास है या नहीं कौन जान रहा है, मस्त रहो खुश रहो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप खुश रहते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, खुशी जुड़ी होती है आपके स्वास्थ्य से। तो एटलीस्ट आपके पास कुछ हो चाहे ना हो, फाइनेंशियल कितनी क्राइसिस आपकी लाइफ में है, लेकिन आप स्वस्थ हैं ना तो वो बहुत बड़ा एक सेविंग है आपकी लाइफ में। खुश रहिए, खुश रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो वो एक बहुत बड़ा सेविंग है, चाहे कितनी भी क्राइसिस आपकी लाइफ में क्यों ना चल रही हो।
तो सबको सबको मैं यही कहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को भी हमेशा, क्योंकि बिजनेस है तो हमेशा उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है बिजनेस में हमेशा, क्योंकि एक फिक्स आपकी सैलरी नहीं होती है हमेशा, कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और कभी आपका बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। तो उतार और चढ़ाव बिजनेस का ये रूल है, थंब रूल है। आपके जॉब में क्या है, आपकी मंथली सैलरी फिक्स होती है तो आपको मिल जाता है, बट जॉब में ऐसा, सॉरी बिजनेस में ऐसा नहीं होता। तो ये आपको झेलना ही झेलना है, हर बिजनेसमैन को झेलना पड़ती है, झेलनी पड़ती हैं ये चीज़ें, कि कभी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आता है और कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि बिल्कुल भी नहीं होता। और हर एक चीज़ के लिए बहुत वो करके आपको चीज़ों को लेना होता है, और अपने मन को जो कहते हैं ना कि अपनी मन की चीज़ों को करना, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है उसे, तो कुछ वही सिचुएशन हो जाते हैं। तो इन सब सिचुएशन को मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये पॉजिटिवनेस हमें खुश रखता है, यही पॉजिटिवनेस हमें खुश रखता है कि हम ये कहते हैं कि हर एक दिन ऐसा आएगा जब हर चीज़ ठीक हो जाएगा, हर चीज़ सही हो जाएगा। तो हर एक इंसान को अपनी लाइफ में ये एक लाइन और ऑप्टिमिस्ट होना ज़रूरी है, याद रखना और ऑप्टिमिस्ट होना ज़रूरी है। बहुत ज्ञान की बातें हो गई, राइट। आज का ज्ञान बस इतना ही।